बुजुर्गों की जो है वो तालीमात को तुमने आगे ना बढ़ाया। लोग बात करते हैं, मैं आओ उसकी बात करता हूँ, जिसकी बात करूंगा तो 14 पुर में अल्लाह की रहमतें बरसेंगी। आओ मैं उसकी बात करता हूँ जो कोई आम शख्सियत नहीं है, जिसे बचपन से मेरे नबी ने अपनी गोद में पाला था। वो कौन शख्स था? मियाँ वो एक बच्चा था जिसे मेरे नबी ने पाला था, वो एक बच्चा जिसने सबसे पहले नबी को नबी माना था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाम है मौला अली। सुभान अल्लाह। और इमाम गजाली ने कोट किया है, ये अहयाउल उलूम में कहते हैं कि मौला अली का गुलाम अंदर लेटा था और आप उसे आवाज दे रहे थे। गुलाम समझते हैं? अरे आपके समझ में आ रही मेरी बात? गुलाम समझते हैं? गुलाम ऐसा नहीं जैसे मैं और आप गुलाम है, नहीं नहीं, पैसों पर खरीदा हुआ गुलाम, काम करने वाला जिसे पहले खरीदा जाए। आपने आवाज दी फलाई आओ, वो नहीं आया। फिर आपने दूसरी बार आवाज दी फलाई आओ, वो नहीं आया। आपने तीन बार आवाज दी फलाई आओ, अच्छा तीन बार वो आवाज, अच्छा तीन बार आवाज उसने नहीं आई, आपने सोचा शायद सो गया, अंदर गए। अच्छा आवाज देने का ये सुन्नत तरीका है, जब आप किसी घर जाए तो तीन बार सलाम करें। कितनी बार? कितनी बार सलाम करें? तीन बार सलाम करें। तीन बार सलाम का मतलब यह कि जब आप तीन बार सलाम करें तो सुन्नत है, फिर वो जवाब ना दे तो वापस आ जाए। एक अंग्रेज कहता है, मैं लोगों से बहुत मिलता नहीं था तो मुझे अपना मिजाज किसी मजहब में नजर नहीं आया। मैंने देखा कि यार कौन सा मजहब है, मैंने हदीस पढ़ी कि नबी का सुन्नत है कि कोई सलाम तीन बार करो आ जाओ, मतलब अगर सामने वाला हो सकता है तुमसे नहीं मिलना चाहता हूं। वो अंग्रेज कहता है, मैं इसी सुन्नत पर देख के सोचा कि यार जितना आमना का बेटा इंसानों को जानता है इतना कोई नहीं जानता, लिहाजा कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। तो अब कुछ लोग टेलीफोन भी करते हैं तो जान ही ले लेते हैं, 50-50 कॉल कर देते हैं और वो देखते हैं कि उठ नहीं रहा तो छोटी छोटी कॉल भी करके तादाद बढ़ाते हैं, सोचते हैं बंदा उठेगा। एक आप जब कॉल करें तीन बार कॉल करें, फिर आप इंतजार करें, ए भाई सुने, फिर इंतजार करें, जवाब देने वाला जवाब दे देगा, है ना। तो मौला अली अंदर गए तो देखा सो रहा होगा गुलाम, तो सोया नहीं था, पैर पे पैर रख के बैठा। आपने फरमाया तुझे मेरी आवाज नहीं आई? लगा आई थी। कहा तो फिर आया क्यों नहीं? कहा हुजूर थक गया था, बहुत काम बहुत किया था। कहा फिर? कहा मैंने सोचा मेरा आका तो अली है, कोई जालिम थोड़ी है, आप तो मुझे माफ कर ही देंगे। मौला अली मुस्कुराए, तू मेरे बारे में ऐसा ख्याल करता है कहां? कहा मैं तुझे माफ नहीं कर रहा हूं बल्कि अल्लाह के नाम पे आजाद कर रहा हूं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हुजूर की आंखों में आंसू थे, बड़ी खास बात कर रहा हूं, ध्यान से सुने, हुजूर की आंखों में आंसू थे। सरकार ने फरमाया, ये आखिरी हज जब हुजूर कर रहे थे, एहराम में थे, हालत एहराम में मिना में हुजूर की आंखों में आंसू थे और रो के फरमाते, सियाबा मैंने तुम्हें दीन दे दिया, और देखो ये दीन दे दिया, मगर दो बातों से डराता हूं, एक तो अपने गुलाम पे रहम करना। कायनात का सबसे बड़ा गरीब इंसान वो है जिसके दिल में रहम नहीं है। और किसी की औकात देखनी है तो उसके यहां काम करने वाले से पूछो, वो बता देगा ये बंदा कितना बदअखलाक है या कितना शरीफ है। और फिर दूसरा क्या फरमाया? दूसरा फरमाया, औरतों से डराता हूं तुम्हें, अपने घर की औरतों पर जुल्म ना करना। मेरे नबी देखते थे उसी वक्त, आज लोग अपनी बीवियों को मारते नहीं है, भाग चल भाग जाए यहां से, मारते तोड़ते हैं, चल निकल जा, मारते हैं, जानवर बन जाते हैं, जालिम और तो भी जुल्म करते हैं। अब औरतें बेचारी रोती हैं, कहती है मेरा बाप गरीब है, उसने तो पहले ही कर्जा लेके मेरी शादी की हुई है, अगर मैं चली गई तो मैं मेरा बाप के ऊपर बोझ बन जाऊंगी। तो वो रो के वहीं रहती है, पिटती है, कुटती है, जाती कोई नहीं। तू क्या समझ रहा है ये बिल्कुल रहेगा जा रही बात? ना, ये तो इंसान की आहें हैं, अगर जानवर की आहें भी हो ना तो महलों को बर्बाद कर देती हैं। तेरे इस झोपड़ी के औकात क्या है? और याद रख, दुनिया भर में ताबीज लाने वाले, जिस घर में औरत पे जुल्म होता हो पूरी दुनिया का कोई ताबीज उसमें बरकत नहीं कर सकता। रहमतें चाहते हो तो अपनी बीवियों पर रहम करो। आपको कोई ताबीज वाला कोई बात बता दे मान जाओगे? मैं आपको नबी की बात बताता हूँ। सियाबा ने अर्ज की, हुजूर हमारा काम नहीं चलता। सियाबी ने अर्ज की, मेरा कारोबार में कामयाबी, सुनिएगा, कामयाब नहीं होता, परेशान हो जाता हूँ हुजूर, कामयाब मेरा काम चलता नहीं, जो भी काम करता हूँ बिगड़ जाता है। नौजवानों सुनो जरा ध्यान से, ये हुजूर की बात बता रहा हूँ, किसी कोई मियाँ बिया की बात नहीं करता, और मैं किसी मियाँ का मुखालिफ नहीं, मेरे बाप भी मियाँ, दादा भी मियाँ, परदादा भी मियाँ, गौस पाक से लेके अब तक कोई सिलसिला टूटा नहीं, मगर मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो अपने पेट को ज्यादा आगे बढ़ाते हैं, दीन की बात नहीं करते। तो आज देखे हुजूर से पूछा जा रहा है कारोबार नहीं चलता क्या करे, तो हुजूर ने ये नहीं फरमाया तुम ये पढ़ लेना, ये नहीं फरमाया, सुनो ध्यान से, ये नहीं फरमाया ये तुम ये पढ़ लेना ना, हुजूर ने एक ही बात कही, कहा तुम ये चाहते हो कारोबार बरकत तो कहां? तो मेरे मेरे आका ने फरमाया जब तुम रास्ते में चला करो और कोई सफेद दाढ़ी वाला दिखा करे ना बुजुर्ग, तो तुम उसके आगे ना निकला करो, उसके एहतराम में उसके पीछे चला करो, अल्लाह तुम्हारे कारोबार में बरकत अता कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह।
यार जरा जोर से कहना चाहिए था तुम्हें सुभान अल्लाह। खुदा की कसम ये बात किसी सूरत भी इधर से उधर नहीं हो सकती। आज से ही शुरू कर देना, अगर काम ना हो तो फिर बताना। अब देखें मैं क्या बात कर रहा था, मौला अली की बात कर रहा था। किसकी? एक दिन हुजूर ने मौला अली के सीने पे अपना हाथ रखा, कहां रखा? सीने। और फिर हुजूर की आंखों में आंसू, फरमाए अली तुझे मुबारक हो, मेरे रब ने जन्नत में मेरे महल के सामने तेरा महल बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अब देखें आप, मौला अली हुजूर फरमाते जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं हुजूर फरमाते जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो जन्नत में एक नूर फैलेगा। जन्नत तो नूर ही है पहले से, वहां तो नूरी, मगर एक नूर फैलेगा जिससे अहले जन्नत कहेंगे मौला ये कैसा नूर है, क्या जन्नत में भी कोई सूरज है? तो दरोगा जन्नत जवाब देंगे, ऐ जन्नतियों ये कोई सूरज नहीं निकला है, का फिर नूर कैसा है? का अपनी अपनी जन्नत में अली और फातिमा मुस्कुराने लगे हैं, ये उनके चेहरे से नूर निकला है। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर से ये शबात में साहिब कुबला, सुभान अल्लाह। बिल्कुल ना मिलाया करें, कुछ अपना भी बनाए भाई। कुछ समझ आ रही है मेरी बात? समझ आ रही है? चाहे डेढ़ ईट की हो मगर अपनी होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं? अब मेरी बात समझे, मौला अली की बात कर रहा हूँ। मौला अली कौन है मालूम है? दामादे पयंबर, फातह खैबर। फरमाते लोग मेरी, मौला अली ने फरमाया, फरमाते लोग मेरी तलवार की तारीफ करते, कहते ये नहीं देखते तलवार दी किसने है जी। कहते तलवार हुजूर ने दी थी, और कहते जब मैं घर से निकलता था तो मेरे हाथ पे मेरी बीबी यानी फातिमा तलवार रखती थी। फरमाते बताओ जिसे फातिमा ने तलवार दे दी हो कायनात में कोई उसे जहर कर सकता है? क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला अली की बात करने लगा हूँ, सीरत मौला अली पर जरा चलिए। कूफे की जमा मस्जिद मैंने देखी, अल्लाह का शुक्र है वो जगह। मौला अली जब कूफे की जमा मस्जिद में गए तो वहां पर एक जालिम ने पीछे अंधेरे में आके अपनी बुजदिली का पूरा तरह से जो है वो उसने अपने मुजाहरा किया और पीछे से आके तलवार मारी। इतना जबरदस्त वार था कि आपका आधा भेजा कट गया और ये आपका जो शोल्डर है ये भी कट गया। मैं ये सब वलियों के सरदार की बात बता रहा हूं, बाबो इल्म की बात बता रहा हूं। शोर मच गया, सब तो शोर मचाते थे। मौला अली जमीन पर तशरीफ लाए, मस्जिद में खून है मौला अली का, मगर क्या कहते थे जबान से? काबे के रब की कसम में कामयाब हो गया, काबे के रब की कसम में कामयाब हो, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गया। इमाम हसन बोले अब्बा कैसे कामयाब हो गए? आपका जिस्म कटा हुआ है, अब्बा आप पर बड़ा सख्त हमला हुआ है, आप फरमाते कामयाब हो गए। कहां बेटे, मेरे तेरे नाना और मेरे आका ने जब बिल्कुल आखिरी अपने इंतकाल के वक्त, विसाल के वक्त हुजूर ने मुझे सीने से लगाया था और मेरे कान में कहा था, अली चाहे हालात कुछ भी हों नमाज ना छोड़ना, आज दुनिया देख ले मैं दुनिया तो छोड़ रहा हूँ मगर नमाज मेरे साथ। नमाज लोगों ने कहा हकीम को बुलाओ, तो वो जालिम बोल पड़ा इब्ने मुल्जिम ये बचेंगे नहीं, मैंने एक महीने तक जहर में बुझाया है अपनी तलवार को, बचेंगे नहीं है, बचेंगे नहीं है। इमाम हसन आए, इमाम हुसैन आए, अब बताओ ये किसका बाप है? हम सबके बाप उसके पैर की धुमन के बराबर नहीं हो सकते। इमाम हसन आगे बढ़े, शरबत का प्याला लाए, अब लो शरबत पी लो। का बेटे मेरे लिए शरबत लाए कहां? का जिसने मुझ पे हमला किया तो वो कहां है? अच्छा हम में से कोई होता तो वो तो कत्ल कर दिया होता, उसने बाप बाद में बाप के पास जाता, भाई बाप खलीफा है वक्त का। वो अब्बा उसे गिरफ्तार कर लिया, उधर खड़ा है, क्या हुक्म है? तलवार निकाल ली, क्या उसकी गर्दन काट दूं? इसे कहते हैं अली, समझो अली को, ये भेजा बैर है, ये शोल्डर कटा हुआ है, खून निकला है। फरमाते हैं मौला अली, मेरे बेटे हसन ऐसा कर, ये जो तू शरबत मुझे पिला रहा है ना, ये मेरे कातिल को पिला दे। इमाम हसन रोने लगे, अब्बा ये क्या कह रहे हैं आप? आपका कातिल है वो। फिर मैं जा बेटे, वक्त नहीं है मेरे पास, जल्दी जा। इमाम हसन ने, है तुम में कोई नौजवान ऐसा जो अपने बाप के कातिल की तरफ को ले चले? और तुम में है कोई अली का मानने वाला ऐसा
जो आज के बाद अपनी दुश्मनी खत्म कर दे। अली के नारे लगा रहे हैं, हम औलाद अली हैं, हम गुलाम अली हैं, नफरत है हमारे यहां, नफरतों के अलावा और कुछ नहीं है। नफरतें, तकलीफें, परेशानियां अगर अच्छी तहजीब होती है तो बच्चों में नजर आती है। समझ रहे हैं आप? ए बच्चे जल्दी जाओ बेटे, ये सब तलबा होंगे मेरे हिसाब से, जाओ बेटे जाओ जल्दी जाओ। हाँ, असल में इन्हें शऊर नहीं इस बात का कि कभी कभी कोई दूसरे मौजू पर गुफ्तगू बड़ी पेचीदा हो रही होती है, तो ऐसे वक्त में किसी का उठना बड़ा तकलीफ देता है। तो ऐसे जो नासमझ लोग होते हैं बच्चे, उन्हें आने नहीं चाहिए। मेरी बात आपके समझ में आ रही है? मौला हसन जा रहे हैं, जाके कह रहे हैं लो उसे शरबत पिला दो। तो इमाम हसन ने दिया, लो शरबत पी ले। उसने कहा मैं शरबत नहीं पीऊंगा, मैं आपके पूरे खानदान से नफरत करता हूँ। इमाम हसन चले गए, कहा अब्बा उसने नहीं पिया। मौला अली ने फरमाया हसन फिर गवाह रहना और हुजूर की बारगाह में ये कह देना कि अगर ये दुनिया का शरबत पी लेता तो मैं उसे कौसर का जाम भी पिला देता। कोई और बच्चा उठना चाहता हो जल्दी जाए, कोई और उठना चाहता है मदरसे का तालिब इल्म या वैसे, जल्दी चले जाए। पढ़ना वढ़ना होगा, हमारी बातों में क्या बैठना है, हमारी फालतू की बातें क्या जरूरत है इस बातों में बैठने की? हम तो पागल लोग हैं, हम तो ऐसी बस बातें करते रहते हैं। तवज्जो है आपकी मेरी तरफ से। अच्छा एक बार बताइए, इमाम हुसैन का जिक्र होता है, इमाम हसन का जिक्र क्यों नहीं होता हमारे यहाँ? कभी आपने महफिल का नाम सुना है? हमने तो नहीं सुना, बहुत कम, इल्ला माशाल्लाह। इमाम हसन का जिक्र नहीं होगा? ये शियाओं का तरीका था, राफ़िज़ी ना नाम रखते हैं ना जिक्र करते हैं, क्योंकि अगर हसन का जिक्र होगा तो उनका अकीदा खत्म हो जाएगा, हसन का जिक्र होगा तो इत्तेहाद आएगा, हसन का जिक्र होगा तो इंतिशार जाएगा, हसन का जिक्र होगा तो हिल्म की हवाएं चल जाएंगी, हसन का जिक्र होगा तो बुर्दवारी भर जाएगी मुसलमानों में। क्योंकि इमाम हुसैन फरमाते हैं मेरा भाई हसन खाली मेरा बड़ा भाई नहीं है बल्कि मेरा उस्ताद भी है और मेरा इमाम भी है। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद सुभान अल्लाह। इमाम हसन, इस तवज्जो है, इमाम हसन को मेरे नबी ने फरमाया मेरा हिल्म अल्लाह ने मेरे बेटे हसन को दिया, यानी मेरी बुर्दवारी, मेरा हिल्म, मैच्योर मैच्योर, हुजूर ने फरमाया मेरी तरह मैच्योर है मेरा बेटा, मेरी तरह साहिब हिल्म है। अब देखें आप, इमाम हसन मालूम है कौन है आपको? मैं अगर बताऊंगा आप इमाम हसन का जिक्र नहीं करते, आज जरा थोड़ा सा सुन लीजिए, दिल लग रहा है नहीं लग रहा आप लोगों का, जोर से बोले इमाम हसन कौन है जरा गौर कर लीजिए। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला का नाम सुना है आपने? तकरीबन सबसे बड़े जो है वो सबसे बड़े जो राबी हदीस है उनमें सबसे सफे अव्वल पे इनका नाम आता है, सबसे बड़े राबी हदीस है हजरत सैयदना अबू हुरैरा। हजरत सैयदना इमाम हसन रजी अल्लाह तआला को जब देखते थे मस्जिद से घर पे जाते हुए तो रोते थे। अब जब लोगों ने पूछा आप रोते क्यों हैं तो आपने फरमाया इस वजह से रोता हूं कि अल्लाह ने हसन को बिल्कुल मेरे नबी की निशानी बनाया है और मैं जब हसन को देखता हूं तो मुझे नबी पाक की बहुत याद आती है। कहते मैंने बार बार देखा था इमाम हसन के साथ, जब इमाम हसन 3-4 महीने के थे तो हुजूर गोद में ले लिया करते थे। यार हम अपने बच्चों को टाइम नहीं देते, मेरे नबी टाइम दिया करते थे, गोद में लेते थे और अपनी जबान मुबारक बहर करते थे, बहर करते थे इस तरह से बाहर करते थे, हिलाते थे, इमाम हसन खेलते थे, सुभान अल्लाह, समझते थे कि ये कुछ खाने की चीज है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं ऐसे करके हाथ करते थे, हुजूर जबान अंदर कर लिया करते थे, सुभान अल्लाह। बोलो ना यार, बोलो ना, बोलो ना, मुंह के अंदर फिर बैर, फिर अंदर, फिर बैर, फिर अंदर। कहते हैं वो खेलते खेलते परेशान हो जाते थे और जब वो रोने वाले होते थे तो हुजूर उन्हें रोने नहीं देते थे बल्कि उनके मुंह में अपनी जबान डाल दिया करते थे, वो चूसते 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 सो जाए। वो जबान कौन सी? वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफज हुकूमत पर लाखों सलाम। और यार जरा गौर तो करे, वो खैबर के मौके पर मेरे नबी अलैहिस्सलाम को जब जहर दिया गया तो जहर का टुकड़ा गोश्त का घाट पर था, बोला नहीं, मगर जब वो गोश्त का टुकड़ा हुजूर ने मुंह में रखा तो बोल गया, कह लगा मुझे न खाइए, मेरे अंदर जहर मिला हुआ है। इसका मतलब क्या है? उलमा कहते हैं वो इस वजह से बोला, उसे नबी का लुआब लगा तो अल्लाह ने उसे जबान दे दी। मुझे बताओ एक बेजबान गोश्त के टुकड़े को नबी का थूक लुआबे दहन एक बार लगे तो वो साहिबे जबान हो जाए।
خواب دہن چوسا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد بولیں امام حسن کو جانتے ہیں آج تھوڑا سا بتا دوں امام حسن کے بارے میں ذرا دل لگا کے بولے ذرا مسکرا کے بولے سبحان اللہ ذرا دل لگا کے بولے امام حسن آج میں آپ کو بتا کے جاؤں گا معاف کرنا کسے ہوتا ہے اور معاف کرنے والا کیسا ہوتا ہے پھر آگے مرضی آپ کی رہ جائے گی آپ کو معاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے چونکہ ہدایت اللہ دیتا ہے دعائیں ہم کرتے ہیں سنیں امام حسن کون ہے ذرا دیکھ لیجئے ذرا علماء اکرام کی میں دعائیں چاہتا ہوں توجہ میں نے کبھی نہیں کہا میں آپ سے توجہ چاہ رہا ہوں ان کی دعائیں چاہ رہا ہوں امام حسن کون ہے ایک مرتبہ ایک آدمی ایمان لایا اور جب حضور کا وصال ہو گیا تب وہ آیا اور جب وہ ایمان لیا یہودی تھا رونے لگا حضور کے روزے کے قریب کھڑے ہو کے رونے لگا امام علی نے اس کا ہاتھ پکڑا کہا روتا کیوں ہے کہنے لگا صاحب بڑی خوشی ہے ایمان لانے کی مگر بڑا غم ہے کہ ایمان لایا مگر اللہ کے رسول کے چہرے کو نہیں دیکھا سسکیاں مار کے رویا اے علی میں اتنی دیر سے کیوں آیا امام علی نے اسے چھپایا فرمایا چپ فرمایا حسن ذرا باہر آنا امام حسن باہر آئے تو بولے مولا علی دیکھ یہ رسول تو نہیں ہے مگر میرا بیٹا یہ تصویر رسول ہے اس کا چہرہ کیا بات ہے سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد یہ تصویر رسول ہے یہ تصویر ہے یہ تصویر رسول ہے آپ کو معلوم ہے مولا علی چھپ چھپ کے تقریر سنا کرتے تھے امام حسن کہتے ہیں رات کے وقت میں میرے نانا کے وصال کے بعد صحابہ بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ رات کے وقت آتے تھے ابو ذر غفاری جیسے لوگ کہتے ہیں رات کے وقت میں آتے تھے میرے دروازہ کھلواتے تھے میں کہتا تھا آپ کیسے آئے ہیں تو وہ رو کے کہتے تھے اس وجہ سے آئے حضور کو دیکھنے کے لیے بہت دل تڑپتا ہے سرکار کے وصال کے بعد حضور کو دیکھنے کو بہت دل تڑپتا ہے اور اے حسن تیرے دروازے پہ اس وجہ سے آ جاتے اللہ نے بالکل تیری صورت ہمارے نبی کی طرح بنائی ہے اللہ اکبر مولا علی امام حسن کی چھپ چھپ کے تقریر سنا کرتے تھے چھپ چھپ کر کسی نے پوچھا آپ امام حسن کے سامنے سے تقریر کیوں نہیں سنتے مولا علی فرماتے اس وجہ سے کہ میرے سامنے میرا بیٹا شرماتا ہے کہا تو پھر فرماتے میں چھپ کے تقریر اس وجہ سے سنتا ہوں کہ جب یہ منبر رسول پر ہوتا ہے تو اس کا لہجہ بھی نبی والا ہو جاتا ہے اور اس کا چہرہ بھی نبی والا ہو جاتا ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دل لگا کے بولے اس کو را کے بولے ایک بار حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے لیجئے 25,000 درہم دینار کتنے 25,000 دینار 25,000 دینار دینے کے بعد بولے اپنے دل میں انہوں نے سوچا کیا مجھ سے بڑا کوئی سخی ہو سکتا ہے میں ہندہ کا بیٹا ہوں میں 25,000 تک کا نظرانہ دے دیتا ہوں درہم کا امام حسن نے ان کی طرح مسکرا کے دیکھا اور پھر فرمایا غلام یہاں ہو غلام کو 25,000 درہم دے دیے اور فرمایا امیر معاویہ تم ہندہ کے بیٹے ہو جتنا تم مجھے دیتے ہو نا اتنا میں فاطمہ کا بیٹا اپنے غلاموں کو دے دیتا ہوں کیا بات ہے سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد بہت کو بہت کو بہت کو سبحان اللہ سبحان اللہ دل لگا کے بولو سخاوت میں تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا نا اس گھر کا زور سے بولیں سبحان اللہ امام حسن کون ہے امام حسن معلوم ہے آپ کو امام حسن وہ ہے ایک دن ایک کافر نے یہودی نے آپ سے سوال کر دیا سوال بڑا خطرناک تھا کوئی اور ہوتا تو پھنس جاتا اس نے کہا مجھے آپ کے نانا کی حدیث پر شک ہے کیا یہ جو آپ کے نانا نے سجن کا لفظ استعمال کیا کہ وہ مومن کے لیے دنیا جو ہے وہ قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا آپ کی زلفیں کتنی اچھی ہیں آپ اتنا اچھا کھاتے پیتے ہیں اور میں دو دن سے کچھ نہیں کھایا مجھے نہیں کہاں سے جنت ہے میں جنت میں کیسے ہوں میں کافر ہوں تو میں کیسے جنت میں ہوں اور آپ کے لیے قید خانہ کیسے تو آپ نے جواب دیا سن لو اور یاد رکھنا لکھ لینا کبھی کوئی ایسا مسئلہ ہے تو یاد رکھنا امام حسن نے فرمایا بات یہ ہے جو اللہ نے نعمتیں میرے لیے تیار کی ہیں نا جنت میں اگر تو دیکھ لیتا نا تو کہتا بے شک حسن اس وقت قید